जेपी विधायक बस्ती सदर दयाराम चौधरी भी माल्यार्पण करने बाबा साहब की प्रतिमा पर कटेश्वर पार्क में आए हुए हैं और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी इस समय कटेश्वर पार्क में माल्यार्पण करते हुए और साथ में हैं उदय भान जी भी हैं यहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और यहां पर देखिए माल्यार्पण कर रहे हैं और हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और यहाँ पर आज बाबा साहब के 131वें जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस जयंती समारोह के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत रत्न समता और समानता के प्रतीक, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने वाले, एक स्वस्थ और समानता का समाज स्थापित करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश ही नहीं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। आज उनकी जयंती है, हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी समय कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप अपना एक अभियान में लगे हैं, उस अभियान को पूरा करने के लिए हर संभव आदमी को प्रयास करना चाहिए। बाबा साहब ने जब जब उनको समय मिला है, उनका एक सोच थी कि इस देश का एक बहुत बड़ा भाग जो तमाम अधिकारों से वंचित था, उन अधिकारों को कैसे दिलाया जाए, ये लगातार वो चिंतन करते रहते थे। मुझे याद है एक बार एक सभा थी जम्मू कश्मीर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले बोलना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बाद में बोलना था, महात्मा गांधी भी उस सभा में मौजूद थे। जवाहरलाल नेहरू का भाषण पहले हुआ, उस समय जो पब्लिक थी वो पब्लिक थोड़ा तितर बितर थी, इकट्ठा नहीं थी, फिर भी उनका भाषण पूरा हुआ। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नंबर आया भाषण करने का, तो जो जहाँ भी था, जिस स्थिति में था, दौड़ करके इकट्ठा हो गया बाबा साहब के विचारों को सुनने के लिए। खैर उस समय तो कोई बात नहीं हुई, चले आए, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को देख रहे थे। वो शाम को जब उनके घर गए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पूछा, कौन सा ऐसा कारण था कि जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री और बोल रहे थे तो भीड़ तितर बितर थी, आप बोलने के लिए खड़े हुए तो भीड़ इकट्ठा हो गई? बाबा साहब ने बहुत शालीनता के साथ जो जवाब दिया कि देखिए, जवाहरलाल नेहरू एक खूबसूरत नर्स हैं और मैं एक बदसूरत माँ। उन्होंने बड़े ढंग से इसको समझाया कि खूबसूरत नर्स जो होती है, अस्पताल में आप बीमार होइए, बड़ी सेवा करती है, माँ की तरह सेवा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन जो माँ की ममता होती है उस नर्स में नहीं होता, वो अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। और मैं बदसूरत माँ इस नाते कहा कि जो दर्द एक माँ को होता है वो दर्द मुझे है, ये दोनों में अंतर उन्होंने समझाया था। तो तमाम ऐसे मौके मौके पर उनके जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुसार लोग उनसे जुड़ते भी रहे। आज देश में ही नहीं पूरे दुनिया में जो जहाँ भी है, जो भी इस देश से प्रेम रखता है, इस संविधान से प्रेम रखता है, उनसे प्रेरणा लेता है, ऐसे व्यक्ति कहीं भी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और मैं इस पवित्र अवसर पर ये निवेदन भी लोगों से करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके कहीं भी रहें, किसी परिस्थिति में रहें,
अपने मिशन को न भूलें और निश्चित तौर से आगे चल करके आप अपने मिशन में कामयाब होंगे, अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे, अपनी योजना में कामयाब होंगे। पुनः मैं उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास भी मैं करता रहता हूँ।